शमक होत नत जीवन हानि श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभु भुज कर दर्शन दस कंदा सुन सतेस प्रवान पन मोरा चंद्र हास हर मुम परताप रघुपति विरह नल संजाता शीतल निस पहज पर धारा कह सीता हर मम दुख भारा तुरंत बचन पुन मारन गावा पैता मैं कैसी जब गावा कैसी सकल नीचरन बुलाई सीताओं गोविंद का सो जाई मास दिवस मोह कहा न माना तो मैं मारन ले यहाँ पिसाते ब्रांते सीते त्रास दिया मंगल भवन मंगल हारी जबाओ सदस्य तक सीए को राम चरण रतन पुन विवेका सबनो बोल सुनाए सपनो सीते से करो हित अपना सपने बानर लंका जात धान सेना सब मारी खरभुज लंका मनो विवीक्षण पाई नगर फिरी रघुवीर दुहाई गंगर सीता बोल पठाई ये सपना मैं कहो पुकारी जय श्री राम। प्रभु श्री राम हमारे आराध्य हैं और आज महाराजा सूरसेन सैनी जी की जयंती मना रहे हैं हम। महाराजा सूरसेन सैनी जी भी श्री राम के ही वंशज हैं और जो हमारा सैनी समाज है वो भी श्री राम का ही वंशज है। इसी कारण हमने हनुमान चालीसा का भी यहाँ पे हर मंगलवार का पाठ होता है और इसीलिए हमने सुंदरकांड का पाठ करवाया। जय श्री राम। नाम तेंदर सैनी प्रधान सैनी सभा जय कुंभरा गुरुग्राम। सुंदरकांड का पाठ रखा है, क्या संदेश देंगे युवाओं का? सबसे पहले संदेश ये होगा, शिक्षित बनो, पढ़ो लिखो और चाहे सामाजिक कार्य हो चाहे धार्मिक कार्य हो हर तरह से युवाओं को बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। और जो सुंदरकांड पाठ है ये हमें हर तरह से हमारे शरीर का और आत्मा का शुद्धिकरण करता है और यज्ञ है जो आहुति दी जाती है उससे हर प्रकार के दुख रोग दूर होते हैं। नाम बताइए। नाम गगनदीप सैनी है। आज सुंदरकांड का पाठ किया किस तरह से देखते हैं जी? आज हमारे महाराजा सूरसेन सैनी की जयंती है जो कि हर वर्ष की भांति हम अपने गुड़गांव शहर में मनाते थे, तो इस बार भी हमारा जो कार्यक्रम था मोजाबाद पटौदी में था, तो किसी कारणवश हमारे सामाजिक कार्यकर्ता के निधन के कारण तो ये कार्यक्रम हमने आज जयंती अपना सैनी चौपाल जयकमपुरा में रखी, जो कि जयंती हमने एक अपने हवन के माध्यम से जिससे कि आहुति सभी अपने समाज के लोग दे सकें और जो लोग हमें छोड़ के गए हैं उनको भगवान की शरण में उन्हें स्थान मिल सके, और उसी के साथ एक हमने सुंदरकांड का पाठ रखा जिससे कि सुंदरकांड का पाठ एक हमारा एक ऐसा नया पड़ाव लाता है जिससे कि उसके पढ़कर हम एक अपना नया जीवन शुरू कर सकते हैं।